जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। संभल जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कई बार उनके घर परिवार माता पिता सब समझाने के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ रहे। नशा इस जीवन का नाश है, चाहे वो कोई भी क्यों ना करता हो। इस जीवन को ऐसे अंधकार में ले जाता है जहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल है। जहाँ पर लोग तो बहुत होंगे आपके साथ, लेकिन सभी आपको उस अंधकार में धकेलने वाले होंगे। तो इसीलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नशा आप करते हैं तो वो छोड़ दें। ये नशा जो है वो जीवन का नाश है। खुद के मन को समझाए, अपनी आत्मा को समझाए, अपने आसपास के उन दोस्तों को छोड़ दें, थोड़े दिनों के लिए बाहर चले जाएं, लेकिन नशा छोड़ दें। दूसरी बात है, बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, उसमें बहुत बार लॉस हो जाता है और ज्यादातर लॉस ही होता है। जुए में किसी का फायदा नहीं होता है दोस्तों। देखिए, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखिए, किसी का फायदा नहीं होता है। वो केवल एक चाल होती है जो आदमी को उलझाए रखती है, उलझाए रखती है। एक नशा हो जाता है उसका, आपको लालच बढ़ जाती है, आप उस पर उलझे रहते हैं, बार बार आप वो लगाया करते हैं और अंत में कर्ज होकर बाहर निकलते हैं। इसलिए जुआ भी ना खेले, उस दूरी बना के रखे। तीसरी बात है कि अभी वक्त है, ईश्वर का नाम अभी से लेना शुरू करें। आने वाले कई सालों में एक बहुत बड़ा आपका नाम जप हो जाएगा, क्योंकि अंत में जब आंखों के सामने इस दुनिया से जाना होता है, तब एक ही बात याद आती है, क्यों ना हमने ईश्वर का जप करा, स्मरण करा। इसीलिए जितना आप जप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ईश्वर के जप करने से कई सारी परेशानी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। इसलिए जप करते रहें, ईश्वर का नाम लेते रहें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सत्ता है। उस सत्ता के बिना यहाँ शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ संभव हो सकता है। गीता का अध्ययन करें और ईश्वर मंदिर जाए, दर्शन करें, इन सभी चीज़ों में आप ध्यान दें तो इन सब आत्मिक शांति मिलेगी। आत्मिक शांति मिलेगी, मन में अच्छे विचार आएंगे। जब अच्छे विचार आएंगे तो बड़े कार्य सिद्ध होंगे और बहुत सी चीज़ें आपको समझ आएंगी। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें।